हैदराबाद के गोलकुंडा डायमंड नेकलेस की वजह से 11,000 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी नीरव मोदी पहली बार पूरी दुनिया में चर्चा में आया था। हैदराबाद की गोलकुंडा खदान से निकले असामान्य और बेशकीमती हीरे से बनाए गए नीरव मोदी के इस नेकलेस की नीलामी ब्रिटिश ऑक्शन हाउस क्रिस्टी में 2010 में हुई थी। उस वक्त गोलकुंडा डायमंड नेकलेस नीलामी में करीब 16 करोड़ रुपए में बिका था। इस नेकलेस को बनाने में 1300 ज्वेलरी एक्सपर्ट्स की मदद ली गई थी। नेकलेस में 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड का इस्तेमाल हुआ और पिंक डायमंड को जोड़कर इस बेशकीमती खूबसूरत गले के हार को तैयार किया गया था। गोलकुंडा डायमंड नेकलेस की नीलामी के बाद नीरव मोदी और उनकी कंपनी फायर स्टार डायमंड सुर्खियों में आ गई। 2 महीने बाद ही नीरव मोदी ने दिल्ली में अपना पहला ज्वेलरी स्टोर खोला। आज दिल्ली और मुंबई समेत दुनिया भर में नीरव मोदी के 17 स्टोर हैं। मूल रूप से गुजरात के पालनपुर का रहने वाला नीरव मोदी का परिवार कई पीढ़ियों से हीरा कारोबार से जुड़ा है। नीरव के केशव लाल मोदी 1930 के दशक से हीरे के कारोबार के लिए मुंबई से सिंगापुर चले गए थे। 2 दशक बाद नीरव के पिता दीपक मोदी ने बेल्जियम के एंटवर्प में हीरा कारोबार शुरू किया। बेल्जियम का एंटवर्प शहर हीरा कारोबार की पूरी दुनिया की राजधानी के तौर पर जाना जाता है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।